की इस कक्षा में हम वर्ग सात के आठ परिमेय संख्याएं के प्रश्नावली चार दशमलव एक को हल करने जा रहे हैं पहला प्रश्न है उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए इससे पहला है माइनस पांच बटे माइनस आठ खाली स्थान परिमेय संख्या है तो हम देख रहे हैं कि ये अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा पांच बटे आठ तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी धनात्मक धनात्मक दूसरा है संख्या रेखा में शून्य के खाली स्थान और माइनस एक बटे दो अंकित होता है तो हम देख रहे हैं माइनस एक बटा दो ऋणात्मक परिमेय है और हम जानते हैं कि संख्या रेखा में शून्य के बाई ओर ऋणात्मक होता है तो ये हो जाएगा बाई ओर। देख लीजिए एक संख्या रेखा हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं देखिए ये संख्या रेखा है ये शून्य है और इस शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक होता है धनात्मक परिमेय संख्या है धनात्मक परिमेय और इधर जो बाई ओर होता है इस साइड तो ये ऋणात्मक होता है तो यहां पर संख्या रेखा में शून्य के बाई ओर माइनस एक बटा दो होगा यह ऋणात्मक है इसलिए अब तीसरा है माइनस एक का मानक रूप तो ये माइनस एक ही होगा चौथा है यदि पी क्यू का सर्व गुणनखंड m है तो p बाई क्यू स्कू ये अंश में यहां खाली स्थान है और नीचे हर में है q भाग आ, m तो यहां पर हो जाएगा p भाग m चलिए अब पांचवा नंबर यदि p एवं q ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं देखिए ये दोनों तो p बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी तो यहां बता रहा है कि ये P भी ऋणात्मक है Q भी ऋणात्मक है तो ये कैसी होगी ऋणात्मक या धनात्मक ये प्रश्न नंबर एक में ही हम देख चुके हैं कि जब आंस और हर दोनों अगर ऋणात्मक है तो ये परिमेय धनात्मक होता है तो ये हो जाएगा धनात्मक अब पांचवा नंबर है किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आंश एवं हर को उनके सार्व खंड सार्व गुणनखंड खंड से विभाजित करते हैं यह हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे कुछ प्रश्न आएंगे उसमें भी और स्पष्ट होगा प्रश्न संख्या दो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्या लिखिए तो देखिए ये कैसे बनता है इसे हम हल करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर दो और इसका मैं प्रश्न संख्या दो ले रहा हूं एक बटा दो और तीन बटा दो तो हम ये क्या करेंगे पहले कि एक बटा दो बराबर एक बटा दो इसे तीन बटे तीन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तीन और तीन गुना छ और दूसरी संख्या है तीन बटा दो तो ये है तीन बटा दो गुना तीन बटा तीन तो ये हो गया तीन तिहाई ती नौ बटा छ तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हर तो समान है यहां भी छह है यहां भी छ है अंश में यहां तीन है और यहां नौ है तो तीन बटे छ से बड़ी होगी चार बटे छ और चार बटे छ से बड़ी होगी पांच बटा छ और इससे बड़ी होगी अः छे बटा छ और इससे बड़ी होगी सात बटा छ और इससे बड़ी होगी आठ बटा छ और इससे बड़ी होगी नौ बटे छ तो हम तीन बटे छे और नौ बटे छ के बीच बहुत सारी कई संख्याएं हम निकाल चुके हैं वैसे तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं या कहें असीमित असंख्य परिमेय संख्याएं हैं लेकिन हमें तीन बताना है इसलिए हम तीन ही लिखेंगे इसलिए एक बटा दो और तीन बटा दो तीन बटा दो के बीच तीन परिमेय संख्याएं तीन परिमेय संख्याएं है तीन का ही हम देंगे चार बटा छ पांच बटा छ बटा छ तीन हो गई चलिए अब प्रश्न संख्या तीन प्रश्न संख्या तीन में है निम्नलिखित प्रत्येक के तीन तीन समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए तो इसे हम कैसे करते हैं देखिए पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं माइनस तीन बटे पांच तो ये माइनस तीन बटे पांच को पहले हम दो बटा दो से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस छ बटे दस दूसरा अब हम इसे तीन बटे तीन से गुना करेंगे तीन बटे तीन से तो ये आ जाएगा माइनस नौ बटे और तीसरा जो समतुल्य परिमेय हम लिख रहे हैं इस बार आप खुद बताइए किससे गुना करेंगे माइनस तीन बटे पांच दो बटे दो से किए तीन बटे तीन से किए तो इस बार चार बटे चार से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बारह बटे बीस तो हमारी माइनस तीन बटे पांच के तीन समतुल्य परिमेय हो गए माइनस छ बटे दस माइनस नौ बटे पंद्रह माइनस बारह बटे बीस इसी तरह से अगर तीन से ज्यादा दिया रहे समतुल्य परि में तो इसी तरह से हम uh, गुना करके निकालते चले जाएंगे प्रश्न संख्या दो के बाकी प्रश्नों को आप खुद से बनाएं प्रश्न संख्या तीन के भी बाकी प्रश्नों को आप खुद से बनाएं प्रश्न संख्या चार निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में तीन और परिमेय संख्या लिखिए तो चलिए एक एक करके देखते हैं पहला प्रश्न चार, चार का पहला तो यह है एक बटा दो फिर माइनस दो बटे माइनस चार फिर तीन बटे छह फिर माइनस चार बटे माइनस आठ हम गौर से देखेंगे तो यह क्या है समतुल्य भिन्न है सॉरी समतुल्य परिमेय है तो आ, ये कितने से गुना किया गया है एक बटे दो को हमने यहां किया गया है दो बटे दो से यहां तीन बटे तीन से यहां चार बटे चार से तो अगला जो हमारा होगा तो कितने से गुना करेंगे पांच बटे पांच से तो ये होगा पांच का पांच पांच बटे दस ये यहां पर आ जाएगा पहला दूसरा जो होगा अः ये हो जाएगा छ बटा छ से तो ये होगा छह बटे बारह तीसरा होगा सात बटे सात से तो ये हो गया सात बटे चौदह ये समतुल्य भिन्न है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटा दो बराबर एक बटा दो बराबर एक बटा दो बराबर तो यहां पर एक बटा दो के तीन समतुल्य भिन्न दिए हुए हैं और तीन ये हैं पांच बटे दस छ बटे बारह सात बटे चौदह लेकिन यहाँ एक और चीज देख रहे हैं कि आ, हर दूसरे में ऊपर नीचे माइनस लगाया गया है अंश में भी माइनस और हर में भी माइनस तो इसके बाद वाला जो होगा माइनस चार बटे माइनस आठ तो ये होगा और इसके बाद वाला में दोनों में माइनस हो जाएगा फिर ये तीसरा ऐसे रहेगा तो यहां पर हम यही पर लिख रहे हैं देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं जगह नहीं है आ, इसके बाद होगा पांच बटे दस और इसके बाद होगा माइनस छह बटे बारह माइनस बारह और इसके बाद अगला होगा सात बटे चौदह तो ये जो तीन और परिमेय संख्या लिखने थे तो हमने पहले प्रश्न में ये तीनों लिख दिए अब दूसरा तीसरा चौथा भी ठीक इसी तरह से होगा यहां भी आप देखिए माइनस दो बटे पांच है तो यहां दो बटे दो से गुना किया गया है यहां तीन बटे तीन से यहां चार बटे चार से तो अगला पांच बटे पांच से करेंगे आ, इसी तरह से उसके बाद छह बटे छे बटे छ से फिर सात बटे सात से ऐसे करेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या तीन और चार भी आप खुद से बनाएंगे प्रश्न संख्या पांच एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए पहला है एक बटा तीन दूसरा है तीन बटा दो तीसरा है चार बटा पांच चौथा है सात बटे आठ इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमने पहले प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया है अब हम परिमेय संख्याओं को किस तरह से करेंगे यह देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेते हैं आ, आप लोग मेरे साथ खींच लीजिए अब क्या करेंगे बराबर बराबर दूरी पर हम इस पर बिंदु लगा देते हैं अब यह बिंदु हमारा शून्य हो गया और यह बिंदु एक अब यहां देख रहे हैं एक बटा तीन है अर्थात यह संख्या एक से छोटी है तो कहीं ना कहीं यह शून्य और एक के बीच में होगी तो चूंकि ये हर में तीन है इसलिए हम शून्य और एक के बीच की जो दूरी है इसको तीन भागों में बराबर भागों में बांट देते हैं यहां देखिए एक भाग दो भाग तीन भाग तो शून्य के बाद जो पहला भाग ये बिंदु होगा ये एक भाग हो गया तो ये हमारा हो जाएगा एक बटा तीन ये दूसरा बिंदु है दो बटा तीन तो इस तरह से एक बटा तीन हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया अब दूसरा प्रश्न भी दे, आ, देखते हैं यह है तीन बटा दो है एक पूर्णांक एक बटा दो तो इसका अर्थ है कि यह एक से ज्यादा और दो से कम है तो इस तरह से हमने यहां शून्य इस बिंदु को शून्य से निरूपित किया यह एक एक इकाई हो गया यहां से यहां एक इकाई यहां से यहां एक इकाई फिर यह एक इकाई यानी शून्य से ये दो हो गया तो हमारा जो बिंदु दिया जो परिमेय संख्या दिया हुआ है तीन बटे दो यह एक से बड़ी होगी और दो से छोटी होगी तो एक तो यहां पर आ गया एक और आधा यह है एक और आधा तो ये एक आ गया अब एक और दो के बीच की जो बिंदु बिंदु है वो एक बटा दो होगी अर्थात ये वाला बिंदु होगी एक पूर्णांक एक बटा दो ये बिंदु एक के बाद और दो के बीच तो एक और आधा ये हो गया अर्थात ये बिंदु ही हमारी हो गई तीन बटा दो हाँ, आ, तो चूंकि हमें तीन तीन बटे दो लिख दिया हुआ है इसलिए हम इसे मिटाकर ये तीन बटा दो ही लिखते हैं तो ये हमारा हो गया तीन बटा दो ये निरूपित हो गया हमारा तीन बटा दो इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न है चार बटे पांच और चौथा सात बटे आठ हम निरूपित करेंगे यहां भी तीसरे में चार बटे पांच में हम चूंकि ये एक से छोटी है हम देख रहे हैं चार बटे पांच अर्थात छोटी है तो शून्य से एक के बीच की दूरी को शून्य से एक के बीच की दूरी को हम पांच बराबर भागों में यहां बांटेंगे। यहां पर क्या है कि यहां हर में आठ है ये अंश में सात है तो ये भी एक से छोटी है तो यहां हम शून्य से एक की एक के बीच की दूरी को आठ बराबर भागों में बांटेंगे और परिमेय संख्या जो दिया हुआ है इसे हम निरूपित करेंगे ये दोनों प्रश्न आप स्वयं से बनाएं।